अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आप हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी आज की वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें। इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे खड़ा हूँ और मेरी बैक साइड पे जो गाड़ियाँ आपको गुजरती हुई नज़र आ रही हैं, ये कश्मीर हाईवे है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर्डी यहाँ से मेरे ख्याल से पैदल 2 मिनट की पैदल वॉक है और ये सामने मैकडोनल्ड्स की आप ब्रांच देख सकते हैं, इसके साथ ही PSO का पेट्रोल पंप है और इस लेफ्ट साइड पे मैं व्यूवर्स आपको बताता चलूं कि नस्ट यूनिवर्सिटी है, यानी कि इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 बेड स्टूडियो और 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट की आप बुकिंग करवा सकते हैं, वो भी आसान एक साथ में। अच्छा व्यूवर्स, प्रोजेक्ट के हवाले से मैं मज़ीद आपको बताता चलूं कि ये प्रोजेक्ट है अल फिरोज़ बिल्डर्स का और जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसके बिल्कुल साथ ही थोड़े से फासले पर ऑलरेडी वो अपना एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, अपनी 100% जो उनकी इन्वेंट्री है वो सेल कर चुके हैं और इनका सबसे बड़ा यही खासा है कि ये क्राउड फंडिंग नहीं करते, बल्कि जैसा कि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हम 6वें फ्लोर पे खड़े हैं, 5 फ्लोर कंप्लीट होने के बाद अभी जाके इन्होंने अपनी बुकिंग का आगाज़ किया है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे क्योंकि बहुत सारे हाई राइज के अंदर अभी प्लॉट भी नहीं ख़रीदा जाता और बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं लोग क्राउड फंडिंग करके। लोगों के पैसे से कोशिश यही होती है कि 10 या 15 माले खड़े किए जाएँ। तो आज कल जैसा दौर चल रहा है, बड़ा मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान में सर्वाइव करना। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मोंटी सेलो स्क्वायर आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। अच्छा नाजरीन, आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, इंतहाई इजी प्लान है और इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर आप अपने अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं। और इसके अलावा अब मेरे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जब कॉल्स करते हैं तो वो B17 गुलबर्ग ग्रीन, वो भी नो डाउट अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये जो लोकेशन है देखें कश्मीर हाईवे के ऊपर है, सराउंडिंग में आपको इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर हैं तमाम सेक्टर्स को एक्सेस करने में मैं समझता हूँ कि कोई चंद मिनट्स लगते हैं, अगर आप ब्लू एरिया भी जाते हैं तो 10 से 15 मिनट की ड्राइव। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।